अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेरा व्लॉग आ रहा है 3-4 महीने के बाद, क्योंकि कुछ मसरूफियत ऐसी हो गई थी और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत सारे क्लिप्स बनाए थे, वीडियोज़ बनाई थी व्लॉग डालने के लिए, और ये एक 2-3 व्लॉग मैंने रेडी भी कर लिए थे, लेकिन मेरे बेटे ने क्या किया, सारी तस्वीरें, सारे वीडियोस और जो 2-3 व्लॉग मैंने रेडी किए थे वो सारे डिलीट कर दिए। तो इसलिए फिर ये है कि ठीक होने के बाद काफ़ी देर लग गई, फिर दिल नहीं करता था वीडियोस बनाने को, तो इसलिए मेरा व्लॉग बहुत लेट हो गया। लेकिन अब मैंने कहा नहीं नादिया, बस हो गई है, हूँ तो बस स्टार्ट कर। और ये वाले 2-3 क्लिप्स भी ना बच गए थे, ये डिलीट नहीं हुए, तो फिर मैंने क्या किया, इनको भी ऐड कर दिया इसमें, ताकि मेरी मेमोरीज जो हैं वो सेव रहेंगी व्लॉग की सूरत में। और हम लोग सैर करने गए थे और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, और ये अतीब जो देख रहा था गेम, तो ऐसे लग रहा था अतीब सो गया, और मैं इतना हंसी इतना हंसी, मैंने उस पान को कहा, मैंने कहा लग रहा है अतीब सो गया है, लेकिन अतीब तो इन्जॉय कर रहा था फुल गेम को। और फिर हमने क्या किया, माशाल्लाह से हमने उधर खाना भी खाया, खाना खाने के बाद हमने कुछ शॉपिंग भी की, और हमारे 4 से 5 घंटे लग गए, और खूब बच्चों ने सैर की। और उस दिन मौसम भी बड़ा प्यारा हो गया था, बारिश भी हो गई थी लाहौर में, और ये है कि फिर बच्चों ने उधर खूब खेला भी और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और ये देखे, ये वाले भी क्लिप जो हैं 2-3, ये भी तकरीबन 1 महीना पहले के ही हैं, अभी विंटर स्टार्ट ही हुआ था तब की बात है। और मैंने क्या किया था, किसी दिन पता नहीं मशीन लगाई थी छत पे, तो साथ मेरे बच्चे माशाल्लाह से खेल रहे थे, और मशीन लगाने से पहले इनको मैंने मालिश करके सर पे नहला दिया था, ताकि मैं कपड़े धुलूँगी और साथ साथ ये धूप सेक लेंगे। और ये दोनों यहाँ पे माशाल्लाह से खेल रहे हैं, और साथ साथ मेरे कपड़े भी सारे धुल गए थे, तो क्योंकि मैंने अम्मी के पास जाना था, तो लेकिन मैं तब नहीं जा सकी, मुझे छुट्टियों का वेट था कि दिसंबर की छुट्टियाँ हो जाएंगी तो तब मैं अम्मी के पास जाऊँगी, और बड़ी देर हो गई थी मुझे अम्मी के पास गए हुए। और यह कि फिर दिसंबर की छुट्टियाँ हो गई और हम लोग अम्मी के पास आ गए, और ये मेरी अम्मी के घर का क्लिप है, अम्मी पिन्नियाँ बना रही थी, और अम्मी हर साल सर्दियों में पिन्नियाँ बना के हम सब बहनों को देती हैं, तो वहाँ पे हम 2-3 बहनें इकट्ठी हुई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था हमें अम्मी के घर। और इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं वहाँ जाके मोबाइल बहुत कम पकड़ती हूँ, और हर दफ़ा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ क्लिप्स बनाऊँ वहाँ के, लेकिन टाइम नहीं मिलता, तो मैंने यह है कि फिर ना मोबाइल पकड़ा ना ही क्लिप्स बनाए। और वहाँ से जब हम लोग घर आए तो उस्मान ने इतनी बड़ी माशाल्लाह से LCD लेके रखी हुई थी, बच्चों के सरप्राइज़ दिया था उस्मान ने, और वो हमने देखी। और जब भी आप लोगों को पता है कि 5-6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए जब घर से जाते हैं तो घर आते हैं तो बहुत ज़्यादा काम इकट्ठे हुए होते हैं, तो मैं जिस दिन घर आई तो उससे अगले दिन ही मैंने मशीन लगा ली, कपड़े धोए, कपड़े धो के सूख गए हैं, अब उनको मैं तह लगा रही हूँ, और उस्मान का कमरा थोड़ा सा सेट करूँगी, सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हुई थी, उनका टेबल और कमरे की सारी चीज़ें, तो साथ साथ मैं कपड़े समेट लूँगी, और साथ साथ बच्चे खेलेंगे धूप में, और साथ साथ उस्मान का जो टेबल है वो मैं सेट कर दूँगी। और 5-6 दिन मैं सिर्फ अम्मी के पास रह के आई हूँ, और टेबल पे इतनी ज़्यादा गर्द पड़ी हुई थी, तो वो मैंने अच्छी तरह से इसकी डस्टिंग की, और उस्मान की सारी चीज़ें मैंने साफ़ करके तो टेबल पे रख दी बहुत अच्छी तरह से। और इंसान क्या करे भाई, जाने से पहले भी इतना काम करके जाए और आके भी इतना काम करे, मैं तो इसलिए बहुत कम निकलती हूँ, इतना काम पहले करके जाओ फिर आके भी इतना काम करो, लेकिन क्या करें, अब बच्चे हैं, बच्चों के लिए जाना पड़ता है, बच्चों का दिल करता है कि हम लोग जाएं नानों के पास और कुछ दिन वहाँ रह कर आएँ, तो ये कि फिर मैं जाती तो काफ़ी देर के बाद हूँ, लेकिन बच्चों के लिए फिर मुझे प्रोग्राम बनाना पड़ता है। और ये लें जी, मैंने अपने हस्बैंड का टेबल कर दिया है बिल्कुल रेडी, साफ़ सुथरा, और हर चीज़ कर दी है मैंने सेट, और कपड़े भी मैंने सारे समेट लेने हैं अब, और फिर कपड़ों को लेकर हम लोग नीचे चलेंगे, और नीचे जाके नीचे के जो काम है वो सारे करेंगे। और ये उस्मान हीटर लगाते हैं क्योंकि ऊपर कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वो भी मैं टेबल पे रख दूँगी, और बस। और ऊपर का सारा काम ख़त्म करके आके शाम को मैंने बच्चों को नूडल्स बना के दी थी, और साथ ये दोनों LCD देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं,
तो मैंने क्या किया, क्योंकि आज मैंने खाना पता नहीं क्या बनाया था, मुझे तो ये भी याद नहीं है, 2 दिन पहले का क्लिप है शायद, मुझे लगता है आलू अंडे मैंने बनाए थे। तो दोपहर को बच्चों ने वो खाना खा लिया था, आलू अंडे, और शाम को ये है कि फिर बच्चों ने नूडल्स कह रहे थे बना के दे दें, तो मैंने इनको वो दे दी, और अब ये दोनों वो खा रहे हैं। और मेरा दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, 1 से 1.5 गिलास दूध लेके उसमें मैंने एक पिन्नी डाल दी, जो अम्मी ने मुझे पिन्नियाँ बना के दी थी उसमें से एक पिन्नी लेके मैंने इसमें डाल दी। मैंने कहा चलो फिरनी सी बन जाएगी, तो वाकई वो बहुत मज़े की बनी थी। ये है कि मैंने पहली दफ़ा बनाई थी इस तरह से, एक पिन्नी लेके, और दूध थोड़ा कम था तो फिर मुझे और दूध डालना पड़ा था, क्योंकि चावल वो अच्छी तरह से फूल गए थे, तो मुझे और दूध डालना पड़ा, और थोड़ा सा मैंने मीठा और डाला, तो इतनी मज़े की ये फिरनी सी बन गई थी। और बहुत मज़े से बैठ के फिर मैंने खाई, बच्चे नूडल्स खा के और अब नीचे मैट्रेस पे बैठ गए हैं, तो ये दोनों यहाँ पे साथ खेल रहे हैं, साथ कार्टून देख रहे हैं, और मैं खाऊंगी गरम गरम फिरनी, जो कि बहुत मज़े की बनी है, और अपने घर आके बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है। और मैंने नेल पॉलिश लगाई थी जिस दिन मैंने अपने घर वापस आना था, और यकीन करें घर आके इतने ज़्यादा काम किए हैं कि नेल पॉलिश नेल मूवर से उतारने का मौका ही नहीं मिला, वो खुद बखुद उतरते जा रही है सारे हाथों से, और हाथों की भी कोई इतनी बुरी हालत हुई हुई है, ना लोशन लगा रही हूँ टाइम पर, कुछ भी नहीं केयर कर रही अभी। तो बस फिर क्या था, 1 जनवरी को उस्मान की बर्थडे थी, तो बच्चे नहीं हारे, बच्चे नहीं पापा केक लेकर आए, तो फिर उस्मान और मैं दोनों गए थे, और जल्दी जल्दी से हम केक लेकर आए, और बच्चों की फरमाइश पे चॉकलेट का केक आया था, और ये दोनों कह रहे थे हमने कैप्स पहननी है, और ये घर पे पड़ी हुई थी इनकी कैप्स इनकी बर्थडे की, और ये इन दोनों ने पहन ली, और हम सब ने मिलके उस्मान की बर्थडे का केक काटा, जो कि बहुत ही मज़े का था, वाकई बहुत मज़े का था, और बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया केक खा के। और चॉकलेट तो बच्चों की हर दफ़ा आनी होती है लाजमी, तो बस ये दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब केक कटे और कब हम लोग खाएं, और अब केक ये लें जी, अब केक कटने लगा है और हम मज़े से केक खाएंगे। और केक काटते ही सबसे पहले बच्चों ने ये ऊपर से जो चीज़ें हैं, चॉकलेट के पीसीज हैं और जो जो ऊपर लगा होता है, ये फ़ौरन बच्चे उठा लेते हैं। तो बस हमने केक काट लिया था रात को, और उससे अगले दिन मैंने क्या किया, सारे घर की सफाई करनी थी ऊपर से लेकर नीचे तक, वो शुरू की हुई थी, तो सफाई करते करते शाम हो गई, मैंने कोई खाना नहीं बनाया था, तो अभी सफाई मेरी चल ही रही थी, तो उस्मान ने कहा कि यार शाम हो गई है, भूख लग गई है, तो हम ये करते हैं कि बाहर से सोडा वगैरह भी ख़त्म हुआ है तो वो ले आते हैं, और उसके साथ साथ ये है कि घर आके फिर मीट वगैरह ले आएंगे तो खाना बन जाएगा। मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने वहीं पे काम छोड़े और हम लोग चले गए सोडा सल्फ लेने। तो यहाँ पे सारा हमने ले लिया है सोडा, और घर आ गए हैं, और ये मटन मैंने अलग कर दिया है, ये अब इसका मैं सालन बना लूँगी, और बाकी सारा जो फ्रीज़र का सामान है वो मैं समेट दूँगी, वो मैंने निकाल लिया है फ्रीज़र वाला, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आते ही सबसे पहले मैं फ्रीज़र वाली चीज़ें निकाल के उसको फ्रीज़र में रखती हूँ, ताकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं फ़ौरन फ्रीज़र में रखना, बाकी चीज़ें तो बाद में भी समेटी जाएंगी, तो खैर है। और मैंने ऐसा ही किया, सारी चीज़ें पहले फ्रीज़र में रख दी, और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद सबको खाना खिलाया, रोटियां बना के दी, तो उसके बाद फिर मैंने बाकी सौदा समेटा था। तो बस यहाँ पे मैं फ्रीज़र वाली चीज़ें रखूँगी, और आज मैं बनाऊँगी मटन, बस जल्दी जल्दी से चलें जी बनाते हैं मटन, और कुछ गोश्त वगैरह समेट लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मलाई भी इकट्ठी हो गई है, देसी घी भी बनने वाला हो गया है, 2 बोल्स इकट्ठे हो गए हैं मलाई के, और अब बस 1-2 दिन में टाइम निकाल के तो देसी घी भी बनाएंगे, क्योंकि बाकी घर के काम अभी नहीं ख़त्म हो रहे, कभी कपड़े धुल रहे हैं, कभी इस्त्री हो रहे हैं, कभी सफाई हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी सौदा लेने जा रही हूँ, तो इसलिए बस देसी घी के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे मैंने खाना बनने के लिए रख दिया है, और बाकी सौदा भी वैसे ही पड़ा हुआ है, और बच्चों ने क्या किया, आके अपनी पसंद की चीज़ें निकाल के खाने लग गए हैं, और मैंने भी बस सब्जियों वाले शॉपर जो थे सौदे में से वो निकाले हैं, और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने लेके तो सालन में डाल दी हैं, और सालन पक रहा है। और यहाँ पे जी हम 2-3 बादाम खा लेंगे थोड़ी एनर्जी बाहर करने के लिए, ओहो, और उसके साथ साथ क्या करेंगे,
अब वीडियो क्लिप आगे चलेगा तो मैं बताऊंगी ना कि क्या किया था। बाकी ये चीज़ें अभी मैं ठहर के समेटूंगी, पहले तो मैं साथ साथ खाना बनाऊंगी। और सच खाना खाने के बाद फिर मैंने क्या किया था, क्योंकि मैं सफाई दरमियान में ही छोड़ के चली गई थी सौदा लेने, तो जो हाल की दरी थी वो मैं उठाई हुई थी, मैंने उठाई हुई थी, तो वो मैंने फिर क्या किया था, हाल की दरी को बिछाया खाना खाने के बाद, वो बिछाई, डस्टिंग की, सारी चीज़ें जगह जगह रखी। उसके बाद फिर मैंने आधा पौना घंटा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फिर मैंने सारा सौदा समेटा था। और ये देखे जी, आधे पौने घंटे के बाद जब मैं रेस्ट करने के बाद बाहर आई तो बच्चों ने क्या किया था, चॉकलेट्स निकाल के अपनी अपनी सारी खा ली थी। और फिर मैंने कहा चलो अब मैं आराम से बैठ के तो सारा सौदा निकालती हूँ और फिर इन दो शेरों को लगाऊंगी चीज़ें जगह जगह रखने पे। बड़े आराम से बैठ के चॉकलेट खा के फारिग होके बैठ गए और साथ साथ टीवी देख रहे हैं। और मैंने इसीलिए लेटने से पहले ही ना दरी बिछा दी थी और सारा जो है डस्टिंग वगैरह कर दी थी और मैट्रेस रख दिया था ताकि ये बच्चे जो हैं बैठ के आराम से टीवी देख लेंगे और मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। और बस आधा पौना घंटा रेस्ट करने के बाद हम सारा सौदा समेटेंगे और ये दोनों कितने मज़े से बैठ के तो चॉकलेट खा रहे हैं। और ये है कि अभी LCD भी नीचे ही पड़ी हुई है, नहीं बल्कि लगा ली है, क्योंकि हम लोग जब सौदा लेके घर आए तो फिर LCD वाले का फ़ोन आ गया कि मैं आ जाता हूँ लगाने, तो वो आ गया, फिर उसने LCD लगा दी, तो फिर मुझे दोबारा से झाड़ू और टाकी फेरनी पड़ी और वो फेर के, तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, दरी बिछा के तो मैं लेट गई थी। और अब मैंने रेस्ट कर लिया है और अब सारा सौदा मैं निकालूंगी और इनको अलग अलग करूंगी जहां जहां ये रखने वाला है, तो फिर मैं बच्चों की साथ हेल्प लेके सारी चीज़ें जगह जगह पे रखवा दूंगी। और बस क्या करें, यहाँ पे हम लोग चीज़ें निकाल रहे हैं और इस दफ़ा मैं ये वाला भी पास्ता, अल्फ्रेडो पास्ता बनाएंगे हम, तो वो लेकर आई हूँ, तो वो हम बनाएंगे और जब मैं बनाऊँगी तो मैं आप लोगों से रेसिपी इसकी शेयर करूँगी। और यहाँ पे पहले मैं उठा लेती हूँ बच्चों के चॉकलेट वाले रैपर ताकि हम आसानी से जो सौदा है वो अलग कर सकें और फिर इनको इनकी जगह पे रख सकें। और आप लोग भी मुझे बताया करें कि आप लोग जब सौदा लेकर आते हैं तो उसको कैसे आप लोग मैनेज करते हैं, कि हमने कैसे कैसे इसको जगह पे रखना है और क्या क्या करना है। और अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों से करना चाह रही थी कि इंसान का टेस्ट जो है ना वो वक्त के साथ बदलता है। मुझे लगता था कि मेरी चॉइस कभी खाने में नहीं बदल सकती, जो मुझे चीज़ें पसंद है वो शायद हमेशा ही ऐसे रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मेरी चॉइस बदल सकती है तो मुझे लगता है अब सबकी बदल सकती है। पहले मुझे चाइनीज़ खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, ये पास्ता वगैरह, नूडल्स वगैरह या चाइनीज़ जो खाने होते हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, और अब मुझे बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और पहले जब मैं जाती थी सौदा लेने तो मैं कहती थी हाय अल्लाह, पता नहीं ये जो पास्ता नूडल्स हैं और इस तरह की जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये तो पता नहीं ऐसे ही रहती होंगी, यहाँ से कोई भी नहीं लेकर जाता होगा, सारा दिन हर वक्त ऐसी पड़ी रहती होंगी। लेकिन अब मैं इतनी हैरान होती हूँ कि अब जब मुझे ये चीज़ें पसंद आ गई हैं तो हर दफ़ा मैं लाजमी पास्ता या नूडल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ट्राई करने के लिए लेकर आती हूँ। और बाकी जो आम सौदा घर का होता है, दालें, चीनी वगैरह, नमक वगैरह, मिर्च मसाले वगैरह, वो वाली चीज़ें हैं। और मैं क्या करूँगी, सब्ज़ी अलग कर लूँगी जो बाकी सब्ज़ी पड़ी है, और जो बच्चों की चीज़ें हैं वो मैं एक ही बैग में डाल के तो अलग से रख दूँगी ताकि फिर बच्चे आराम से जो चीज़ खानी होती है वो निकाल लेते हैं और खा लेते हैं। तो और सब्ज़ी भी मैं सारी, टाइम लगेगा तो इसको बना के तो फ्रिज में रख दूँगी। और अब तो मेरी टोटली जो चॉइस है खाने में वो बिल्कुल चेंज हो गई है, अब मुझे बहुत सी वो चीज़ें पसंद है जो मैं बिल्कुल भी पहले टेस्ट नहीं करती थी। और आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा हो गया है और मेरी चॉइस तो बिल्कुल चेंज हो गई है। और अब मैंने ये वाले दो बॉडी स्प्रे लिए हैं, बॉडी स्प्रे, और बस सारा सौदा जो है मैंने इसके जो चीज़ें हैं वो अलग अलग कर दी हैं, जहाँ जहाँ ये रखने वाली हैं सब चीज़ों के अलग अलग हिस्से कर दिए। और बच्चों की कैंडीज़ वाला जार जो था वो मैंने ले लिया, और जो दो बच्चे न्यू लेकर आए थे कैंडीज़ वाले पैकेट वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और सारी कैंडीज़ को मिक्स कर दूँगी। तो बाकी जो एक आधा जार खाली हुआ हुआ है वो चीज़ें मैं फिल कर दूँगी, भर दूँगी। और बस आप लोग भी खुश रहा करें इसी तरह से, और हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ
हैं अगे पता नहीं की है। तो बस इसी तरह ही तुसी भी खुश रहा करो और कोशिश किया करो कि आप लोगों से भी दूसरे लोग खुश रहा करें और हमेशा पॉजिटिव सोचा करें। प्लीज़ बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, मेरा हमेशा सब लोगों को यही मैसेज होता है कि छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसो, खेडो, खाओ पियो, मजा करो। तो बस और यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, आज छोटा नहीं सी, आज थोड़ा लंबा बनाया, 3 महीने बाद इन्ना तो व्लॉग होना चाहिए। तो बस जी, मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, आप लोगों से मिलूँगी अपने नए और बहुत प्यारे से व्लॉग के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और बस अल्लाह हाफिज़ जी।